जय हिंद नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार बोध गया फिजिकल ट्रेनिंग में आप लोगों को स्वागत करता हूं। साथियों आज देखिए वायरल वीडियो का शुरुआत होने वाला है। आज मैं जो आर्मी का जो बहाली लेने वाला है गया यारों का 30 अगस्त से 8 सितंबर के बीच, वो मैं ट्रैक आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से यहाँ पे ट्रैक बनाया गया है। सरफेस देख सकते हैं साथियों, आप सरफेस देख सकते हैं किस प्रकार से है। ये देखिए डस्ट डाला गया है ऊपर से, जो है अंदर में क्या है कि रोलर को चला दिया गया है, ऊपर से जो है सो डस्ट डाल दिया गया है। इससे क्या होगा कि जैसे बरसात का मौसम है उसमें थोड़ा मोड़ा बारिश होती है, तो ये अगर जो डस्ट डाला हुआ है तो इससे क्या होगा कि कीचड़ होने की संभावना नहीं रहेगी। साथियों तो आप देख सकते हैं पूरे ग्राउंड में टोटल बहुत सपाट ग्राउंड बनाया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डस्ट डाल करके जो है सो यहाँ बनाया गया। कैमरा मैन थोड़ा सा घुरा को दिखाइए घर में, तो आप देख सकते हैं कि लंबा चौड़ा पूरा ट्रैक बनाया गया है। देख सकते हैं लगभग बहुत चौड़ा में ट्रैक जो है सो बनाया गया है, और आप लोग को इसी ट्रैक पर दौड़ना है। तो जो भी भाई जहाँ तैयारी करो ईमानदारी करिए, ट्रैक बहुत सॉलिड है। साथियों सबसे बड़ा समस्या आप लोगों को ये होने वाला है कि जो डस्ट दिया गया है, मान लीजिए कि आपको 10 बजे 11 बजे बैच लगता है, धूप होता है, तो उसमें क्या है रनिंग करते समय देख सकते हैं आप कि आपका धूल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उड़ेगा। देख सकते हैं किस प्रकार से साथियों देख सकते हैं साथियों देख सकते हैं किस प्रकार से डस्ट है, और इसमें जो है गर्दा उड़ने वाला है। तो आप लोग प्रयास करें, बहुत अच्छे तरह से मेहनत करें, जो ट्रैक जो है थोड़ा हार्ड है और सरफेस पे जो है सो आपको डस्ट डाल दिया गया है। तो साथियों इसी प्रकार से पूरे ट्रैक पे डस्ट डाल करके रोलर चला दिया गया है। लेकिन रोलर चलाने से क्या होगा, ये जो देख रहे हैं ना डस्ट, ये बहुत नुकसानदायक है। देख सकते हैं डस्ट किस प्रकार से है, बहुत ही नुकसानदायक है। आप जब बैच खुलेगा तो साथियों गर्दा उड़ेगा, नाक में मुंह में भरेगा। तो आप देख सकते हैं जो भी भाई बहाली है आप ग्राउंड में आएंगे तो ईमानदारी पूर्वक जो डस्ट से बचेंगे, क्योंकि अगर जहां मुंह कान में घुसा नाक में घुसा तो श्वास लेने में थोड़ा परेशानी होगी। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, जो दमखम लगाए हो आप मेहनत किए हो मेहनत रंग लाएगा। प्रयास करना है कि आपको जो है 110% देना है। ग्राउंड में ट्रैक में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। लोग बोलते हैं ट्रैक बड़ा है, दिस है, डेट है, ये सब निगेटिव पॉइंट आपने माइंड में नहीं रखना है। साथियों जो भी आपने मेहनत किया है मेहनत आपका रंग लाएगा, यही पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के आना है ग्राउंड में, और आपने जो मेहनत किया है उसको 110% देना है। मैं आशा में विश्वास दिलाता हूँ कि ट्रैक बहुत बेहतर है, ट्रैक कोई ज्यादा नहीं है। ट्रैक मैं देख लिया हूँ, ट्रैक 400 मीटर का ही है। साथियों ईमानदारी पूर्वक आप जो है ट्रैक पर बहाली आप अटेंड करिए, और अपना जो है सो 110% दीजिए, और आपका जो है बहाली निकलेगी, किसी के बहकावे में ना आइए और अपना 110% देंगे। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कैमरा मैन थोड़ा सा इधर में कवर करके बोला, इधर कार भी दिखा दीजिए लोगों को, इधर पीछे में दिखा दीजिए, पीछे में देख लें दिख रहा है। तो साथियों देख सकते हैं कि इसका जो चौड़ाई है बहुत बेहद है और बहुत खूबसूरत है, और ये सब देख सकते हैं इधर में जो है ईंट से गिर दिया गया है, ईंट लगा दिया गया है ट्रैक का जो है मतलब दागी जो है वो ईंट लगा दिया गया है। किसी प्रकार से कोई दिक्कत है नहीं, एकदम आप आइए जोश जुनून के साथ जज्बे के साथ, जो आप मेहनत किए हैं मेहनत रंग लाएगा। और बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि सर ट्रैक कैसा है कैसा है, तो मैं आज यहाँ पर अभी अलाउड नहीं है, बट एंट्री लेकर के मैं आया हूँ और यहाँ पर आपको ट्रैक बताने की कोशिश किया हूँ। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर आप हमारे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ सभी को जय हिंद।